साहेबराव कांबले होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। उमरखेड़ विधानसभा के लिए कांग्रेस ने साहेबराम कांबले को टिकट दिया। कांग्रेस द्वारा घोषित 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में जैसे ही कांबले का नाम आया, उनके समर्थकों द्वारा शहर में जलोश किया गया। उमरखेड़ विधानसभा एससी के लिए आरक्षित सीट है। यहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होती रही है। यह हिंगोली लोकसभा में आता है। इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है। 2019 में यहां से बीजेपी के नामदेव ससाणे 87 और 48 वोट से जीते थे। 2019 में यहां से बीजेपी के नामदेव ससाणे 87,048 वोट से जीते थे, जबकि कांग्रेस के विजय खड़ से 77,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। उमरखेड़ में अभी तक 10 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 29 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। इस बीच आदर्श आचार संहिता का पालन ठीक से हो, इसलिए उमरखेड़ पुलिस द्वारा शहर में संचालन किया गया है। बंद भारत न्यूज के लिए उमरखेड़ महाराष्ट्र से प्रसेनजीत दिवेकर की रिपोर्ट है।